दूसरे दिन कॉलेज में दोनों एक लवर्स की तरह चलते हैं। शोगो ये सब नोटिस करता है। बाद में दोनों प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं। साइको कहती है गलती मेरी है, इसलिए तुम्हें शेयर हाउस छोड़ के जाना पड़ रहा है। ताकू कहता है इसमें जिम्मेदार मैं भी हूँ। दोनों एजेंट से बात करते हैं। ताकू कहता है कैसी भी प्रॉपर्टी हो बट अच्छी होनी चाहिए रहने के लिए। साइको वो सस्ती प्रॉपर्टी की बात करती है। ताकू कहता है मैं थोड़े ही ना पे कर रहा हूँ। साइको कहती है तुम्हारे फादर इतने पैसे वाले थोड़े ही ना है। ताकू कहता है तो तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो। एजेंट गलती से साइको को ताकू की बहन समझता है। साइको बताती है हम कॉलेज क्लासमेट और सिबलिंग्स की तरह रहते हैं। ताकू को ये सब बुरा लगता है, उसका मुंह बहुत तड़कता है। बाद में ताकू गुस्से में जाता है बट वो नहीं रुकता। साइको उसे रोकने की कोशिश करती है। ताकू रुक कर पूछता है तुम ओके कैसी थी जब उसने तुम्हें मेरी बहन समझा? वो बहुत रूड था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। साइको कहती है इस एज में लोग मुझे तुम्हारी बड़ी बहन गलती से समझ रहे हैं। ताकू कहता है मुझे नहीं लगता बट तुम ओके कैसी थी जो भी उसने कहा। साइको कहती है वो नया एम्प्लॉय था, अगर मैं उस पर गुस्सा करती तो उसका सुपीरियर उसे खूब डांटता। ताकू कहता है मुझे लगा था कि तुम बहुत काइंड हो। साइको कहती है मेरा एम्प्लॉय एक्सपीरियंस है इसलिए मैं सब समझती हूँ। ताकू उसका हाथ पकड़ के कहता है इसी बात पे तुम मुझे बहुत पसंद हो। बाद में साइको सारी बात निमुरा को बताती है। निमुरा कहती है अच्छा हुआ उसने तुम्हें उसकी माँ नहीं समझा। साइको गुस्से में कहती है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहती हो? निमुरा बताती है मैं जेलस हो रही हूँ कि तुम्हारा 22 इयर्स का बॉयफ्रेंड है। साइको कहती है अब हमें फ्यूचर की सोचना होगा जैसे शादी। निमुरा पूछती है तुम शादी करना चाहती हो? साइको कहती है पता नहीं बट मैं अकेले पूरी जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। निमुरा उसे आने वाली लाइफ का डिसीजन लेने को कहती है। यहाँ शोगो ताकू और साइको के रिलेशनशिप को लेकर सोचता है। यहाँ रेनोवेशन कम्प्लीट हो जाता है। माँ रेन ताकू को बातों ही बातों में बताती है मैंने तुम्हारे और साइको के रिलेशनशिप को लेकर फादर से कुछ नहीं कहा है, तुम उन्हें खुद ही एक्सप्लेन करो कि तुम शेयर हाउस छोड़ के क्यों जा रहे हो। यहाँ ताकू शोगो को अपने और साइको के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताता है। शोगो पूछता है तुम्हें साइको में क्या पसंद आया? ताकू कहता है उसका नेचर, वो झूठ नहीं बोलती, कहावत नहीं है, धोखा देने की वो बिल्कुल कोशिश नहीं करती। शोगो कहता है मैं कहने के लायक तो नहीं बट उसका पुराना फ्रेंड होने के नाते क्या तुम एक प्रॉमिस कर सकती हो? तुम अपने ईगो के आगे उसे कभी भी फोर्स करने की कोशिश मत करना, उसकी खुद की लाइफ और गोल्स है। मैं तुम्हें कभी भी उसके साथ गलत करने को अलाउ नहीं करूंगा। ताकू एग्री करता है। यहाँ शोगो का दिल टूट जाता है, वो मन में सोचता है मैं कितना बेवकूफ था। कुछ दिन बाद ताकू नए प्लेस में शिफ्ट होता है। मिनेगावा और कांता साइको को वहीं छोड़ के चले जाते हैं। ताकू कहता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो उसका हाथ पकड़ते उसे अंदर ले जाता है। यहाँ साइको ताकू का काम देखती है। ताकू बताते है मैंने बेडरूम साफ कर दिया है। साइको कहती है तुम्हारे काम की क्वालिटी के साथ क्वांटिटी भी है। ताकू पूछता है क्या खाओगी तुम? साइको बता देती है दोनों खाते हैं। साइको बहुत खुशी से खाते हुए पूछती है अच्छा ये बताओ कि तुम कभी भी अकेले रहे हो? ताकू बताता है एक साल जब मैं इटली में ट्रेनिंग कर रहा था। साइको कहती है मैं पहले पूछना चाहती थी कि तुम शेफ से आर्किटेक्चर कैसे बने? ताकू बताता है मैं आर्किटेक्चर बनना चाहता था बट मैं अपने फादर के कंट्रोल में रहना नहीं चाहता था सो मुझे लगा कि मैं शेफ बन सकता हूँ। साइको पूछती है तुम अपने फादर के इतने अगेंस्ट क्यों हो? क्या तुम उस फैमिली के बारे में बात नहीं करना चाहते? ताकू बताता है मेरे फादर आर्किटेक्ट है, वो ऐसे इंसान है कि जब तक वो किसी चीज को हासिल नहीं कर लेते वो रुकते ही नहीं है बट उन्होंने मुझसे कुछ कहा ही नहीं क्योंकि उन्हें मुझ में इंटरेस्ट ही नहीं है। येट वो मेरे दूसरे भाई को आर्किटेक्ट बनाना चाहते थे। साइको पूछते तुम्हारा दूसरा भाई भी है? ताकू बताता है सौतेला भाई। क्या मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया? जब मैं छोटा था मेरी मदर नहीं रही, मेरे फादर ने मुझे अपनाया, तब मुझे पहली बार पता चला कि मैं मिस्ट्रेस का बेटा हूँ, इसलिए फादर मेरे भाई को आर्किटेक्ट बनाना चाहते थे सो उन्होंने उसे पढ़ाने के लिए फॉरेन में भेजा। बट जब वो कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो उसने कहा कि वो डॉक्टर बनना चाहता है, फिर तब से उन्होंने मुझे आर्किटेक्ट बनने को कहा और वो सब कुछ किया। आफ्टर ऑल मैं फादर के लिए मेरे भाई की जगह एक रिप्लेसमेंट की तरह हूँ। साइको को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है। वो उसका हाथ पकड़ कर कहती है थैंक यू जो तुमने मुझे ये सब बताया। ताकू स्माइल करके कहता है सिर्फ तुम्हारे साथ ही मैं ये सब शेयर कर पाता हूँ। दोनों का मोमेंट होता है।